बता देना आज 2 बजे पेरेंट टीचर मीटिंग है। हाँ बेटा मुझे याद है। आप मैथ्स में इतने अच्छे हो, आप क्यों नहीं पढ़ा देते उसको? मेरा काम है ऑफिस जाना, पैसा कमाना और इस घर का पूरा खर्चा उठाना। तुम घर रहती हो, बच्चों की परवरिश, बच्चों की पढ़ाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। अनन्या, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता। तुम्हारा सारी ट्यूशन का खर्चा, तुम्हारे इस घर का खर्चा, तुम्हारे लिए महंगी से महंगी चीज लाके देता हूँ, पर आज तुम्हारा मैं एक छोटा सा अवार्ड लेकर नहीं आया तो तुमने मुझे आई हेट यू कह दिया। आप हमारे लिए कुछ भी नहीं करते, ना ही हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हो, ना ही हमें कहीं लेके जाते हो। अनन्या तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। नहीं नहीं रतीब, नो। नहीं रोते नहीं है, मैं कल ऑटो में जाके आपका अवार्ड ले आऊंगी स्कूल से। मम्मा क्या पापा हमसे प्यार नहीं करते? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस बिजी रहते हैं, आप ऐसे मत सोचो। फिर वो हमारे साथ टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते? हाँ जी मम्मा, लेकिन हमारे सारे फ्रेंड्स के पापा भी ऑफिस जाते हैं, लेकिन वो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। अब ठीक कह रहे हो बेटा, मैं आपके पापा से बात करूंगी, उनको बोलूंगी वो भी आपके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है। Later. रमनीक सुनो ना, आप बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड किया करो, उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं तो वो यही सोचेंगे ना कि आप उनसे प्यार नहीं करते। इसमें प्यार की बात कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है मैं ऑफिस के काम में कितना बिजी रहता हूँ, सारी दुनिया भर की टेंशन मेरे पे है, ये घर कैसे चलाना, तुम्हारे खर्चे, बच्चों के खर्चे, मैं कहाँ से टाइम स्पेंड करूँ ऑफिस से आने के बाद? अरे बाबा मैं ऑफिस से थका हुआ घर आता हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं होती, मैं पूरा दिन सर खपाई करता रहता हूँ। घर आके मुझे भी ये लगता है मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, कोई मैच वैच देखूँ, अपने आप को रिचार्ज करूँ। रमनीक थोड़ा सा टाइम बच्चों को देना चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं तो उन्हें यही लगेगा ना कि पापा हमारे साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते, प्यार नहीं करते। ठीक है बुलाओ उनको, मैं खेलता हूँ उनके साथ गेम। मैं बुलाती हूँ बच्चों। Later. अरे यार इस बॉल पे छक्का लग जाए, बस मजा आ जाए, इस बॉल पे छक्का लगेगा। पापा आपकी बारी, आपकी बारी। अरे यार, अरे पापा आपकी बारी, पापा आपकी बारी। अरे यार ये आउट हो गया यार, क्या यार पापा आपने हमारी सारी गेम खराब कर दी। अरे तुम्हें इस बेकार सी गेम का पड़ा है, यहाँ मेरा मैच सारा खराब हो गया, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ कुछ भी। बच्चों मेरी बात तो सुनो ना बेटा, एक मिनट। बच्चों सुनो ना, अब इन मासूम बच्चों को मैं कैसे समझाऊं कि इनके पापा इनसे प्यार तो बहुत करते हैं पर उनको प्यार दिखाना नहीं आता। पूनम, हाय पूनम, कैसी है? बस ठीक हूँ, छुट्टी मना रही हूँ। छुट्टी? आज बच्चे अपने पापा के साथ पार्क गए हैं और मैं यहाँ घर पे आराम कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला है हफ्ते में एक दिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिया करो, मुझे भी रिलैक्स करने का टाइम चाहिए। हाँ ठीक बात है। मम्मा। अच्छा पूनम मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, मुझे अनन्या बुला रही है। हाँ ठीक है, बाय बाय। काश रमनीक भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाते तो मुझे भी थोड़ा रिलैक्स करने का टाइम मिलता। मम्मा। आ रही हूँ बेटा। हाँ जी बच्चों क्या हुआ? मम्मा आपको पापा को कन्विंस करना होगा कि आज रात हमें डिनर पर लेके चले। डिनर पर? हाँ जी मम्मा, हमारी सारी फ्रेंड्स कभी मॉल जा रही होती है, मूवी देखने जा रही होती है, डिनर करने जा रही होती है।
बेटा मगर मैं आपको लास्ट वीक ही मॉल लेकर गई थी ना। मम्मा मैं आपके साथ नहीं, आपके और पापा के साथ दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना है। मम्मा प्लीज ले जाओ ना प्लीज। अच्छा मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, तुम लोग बैठो। क्या डिनर पर और वो भी आज? पुनीत नहीं हो सकता, आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। प्लीज रमनी, बच्चों का बहुत मन है डिनर पे जाने का। पुनीत आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। तो आप ऐसा करो ना, आप मीटिंग खत्म करके जल्दी से आ जाना। देखो पुनीत, मुझे घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा, कम से कम 8 बज जाएंगे। वैसे बच्चे डिनर करते कब है? वैसे तो बच्चे 8 बजे डिनर कर लेते हैं, मगर आप ऐसा करो ना, फटाफट अपनी मीटिंग खत्म करके आ जाना, मैं तब तक बच्चों को रेडी करके रखूंगी और हम फटाफट चल लेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 8 बजे तक आ जाऊं। लेकिन एक बात सुन लो, मुझको बार बार फोन करके ये मत बोलना रमनीक आप क्या कर रहे हो, कब आ रहे हो, लेट हो रहा है, कुछ नहीं, मैं आ जाऊंगा, मतलब आ जाऊंगा। ओके ठीक है, शुक्र है रमनीक मान तो गए। Later that same evening. आज हम सब इकट्ठे डिनर पे जाएंगे, इतना मजा आएगा ना, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी। मम्मा पर 8 तो बज गए, पापा क्यों नहीं आया अभी तक? बेटा 5-10 मिनट्स में पहुँचते ही होंगे। Later. मम्मा 8:30 हो गए हैं, पापा अभी तक नहीं आए, एक बार कॉल करके पूछो ना उनसे। बेटा पापा ने कॉल करने से मना किया है, उन्होंने कहा था कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। मम्मा एक बार कॉल करके देखो ना। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। बच्चों पापा ना फोन उठा नहीं रहे, हो सकता है उनकी मीटिंग लंबी चल गई हो और अब उनको थोड़ा सा लेट हो गया हो। अगर आपको भूख लगी है सियान, तो मैं अभी आपके लिए कुछ बना दूं? नहीं, हम तो रेस्टोरेंट में जाके ही खाएंगे, चाहे हम पापा की वेट करें। लूसी बच्चों मुझे भी ना बहुत भूख लगी है, मैं ऐसा करती हूँ नूडल्स बना लेती हूँ, आप सबको भी अच्छे लगते हैं ना? मुझे नहीं खाना कुछ, पापा हमेशा ऐसा ही करते हैं। शनाया सियान, midnight. अरे पुनीत, पुनीत आज पता कितना मजा आया, आज इतने टाइम बाद मैं अपने दोस्त से मिला था जो मेरा बचपन का दोस्त है। अरे यार हमने अपनी सारी बचपन की यादें ताजा कर ली, मजा आ गया। अरे ये क्या, ये सब लोग इतना सज संवर के क्यों बैठे हो, क्या हो गया रमनी? अरे खैर छोड़ो ये सब यार, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। पापा ने आज फिर अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, क्या ये सही है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या बाप का प्यार जरूरी है या सिर्फ माँ का प्यार ही काफी हो जाता है? थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। डॉटर्स डे, अनन्या इज सैड लेकिन बाद में सरप्राइज पार्टी लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। पहले बहुत गंदा था, फिर बहुत मजा आ गया, लेकिन मुझे तो पूरा दिन ही बहुत अच्छा लगा। मुझे अनन्या के लिए पहले थोड़ा सा बुरा लग रहा था, मगर वी मेड इट फॉर हर। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लि